ऑलवेज न्यू। आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी है मोमोज, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इसमें हम कैबेज और कैरेट और कैप्सिकम के जगह पे फिलिंग के लिए पोटैटो और लौकी का यूज़ करेंगे। तो या फिर अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालने वाली हूँ। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लौकी लेंगे और उसे घीस लेंगे। घीसने के बाद हम उसे गैस पे चढ़ाएंगे पैन में, ताकि उसका कच्चापन हट जाए। हमें कोई भी ऑयल नहीं यूज़ करना है बिकॉज हमें ये हेल्दी फूड बनाना है। हम इसीलिए यहाँ पे व्हीट फ्लोर यूज़ कर रहे हैं मैदे के जगह पे, ताकि ये ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि जब हम लौकी को पैन से उतार लेंगे, उसके बाद सारे आलू को मैश करना है और मिक्स कर लेना है उसमें। यहाँ पे नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और डाल के देखिए, मैंने इसे मिक्स करके यहाँ पे रख लिया है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है कि आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है। आटे का जो डो हम बनाएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल रोटी का डो जैसे होता है हमारा, बिल्कुल वैसा ही होगा। और उसकी हम बहुत पतली पतली रोटियाँ बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने पतली रोटियाँ पहले से ही बेल के रखी हुई हैं। अब मैं आपको मोमोज बनाना बताती हूँ कि कैसे मोमोज हमें बनाने हैं इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि ये थोड़ी सी फीलिंग लेनी है इसकी ऐसे। फीलिंग लेने के बाद हमें क्या करना है कि हम इसके फोल्ड्स बनाएंगे। फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, बिल्कुल मोमोज के फोल्ड जैसे होते हैं वैसे ही। थर्ड, वैसे ही फोल्ड्स करते जाने हैं हमें। बिल्कुल इसकी जब कटोरी जैसी बन जाएगी, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल कटोरी के जैसा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल इसे ऐसे जॉइन कर लेना है। तो ये एक पोटली के जैसा दिखेगा हमें, छोटी सी पोटली की तरह। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसे बनाकर रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोमो बना के रख लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, इसे स्टीम करना है और स्टीम करने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। स्टीम ये मुश्किल से ज़्यादा 30-35 मिनट्स आपको स्टीम करने में लगेगा, और उसके बाद आप इसे मोमो चटनी या फिर टोमेटो केचप या चिल्ली सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपको इस तरह इसे छेद वाली थाली में डालकर उस पर पहले आप ऑयल लगा लें, उसके बाद सारे मोमोज आप उस पर रख के आप स्टीम करने के लिए रख दें इसे 30-35 मिनट्स के लिए। देख रहे हैं आप, मैंने इसे रख लिया है। अब 35 मिनट्स के बाद ये बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोमो स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मोमो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने मोमो चटनी का वीडियो पहले डाल दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।